गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, रेडॉक्स रिएक्शन के लेक्चर नंबर 8 में, जो कि इसका लास्ट लेक्चर है, आज हम प्रैक्टिस करेंगे ZEE नीट बेस्ड क्वेश्चन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, कंपटीशन में, उनका डिस्कशन है आज की क्लास में। तो बच्चों शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल आज की क्लास का क्वेश्चन है आपके पास, ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ कॉपर विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट क्या होगा? सिल्वर एटम्स आर रिड्यूस्ड, कॉपर प्लस टू आयंस आर रिड्यूस्ड, सिल्वर आयंस आर रिड्यूस्ड एंड NO3 आयंस आर रिड्यूस्ड। देखिए बच्चों, यहाँ ड्यूरिंग द रिएक्शन विद कॉपर, कॉपर का रिएक्शन आपको कराना है किसके साथ? AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ आप उसका रिएक्शन कराओगे। सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो आपको यहाँ पर Ag बन जाएगा। जब आप इसका रिएक्शन करते हैं ना, तो यहाँ बनता है Ag प्लस CuNO3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? प्लस वन। यहाँ पर कितना है? जीरो। यहाँ कॉपर का कितना है? जीरो। यहाँ कितना है? प्लस। तो सिल्वर नाइट्रेट कराएंगे तो सिल्वर आयंस आर रिड्यूस। देखो सिल्वर प्लस वन से जीरो जाएगा तो क्या होगा बच्चों? रिडक्शन। तो सिल्वर आयन क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। दिस सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सिल्वर आयंस रिड्यूस होंगे, राइट? सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्लियर? इक्वेशन भी हम देखेंगे इसके सोल्यूशन। ये कॉपर प्लस AgNO3, तो कॉपर नाइट्रेट बन गया प्लस ट्वाइस Ag। तो देखिए यहाँ प्लस वन से सिल्वर कितना जा रहा है? जीरो। तो ये क्या होगा बच्चों? यहाँ रिडक्शन। तो सिल्वर आयन है उसका क्या हो गया? रिडक्शन। दैट्स व्हाई सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 2। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द ऑक्सीडेशन नंबर इज प्लस 3। यहां पर जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3 किस में है? तो देखिए बच्चों, यहाँ Cl और I, तो आपको क्लोरीन का निकालना है। तो यहाँ माइनस वन, तो क्लोरीन का कितना हो जाएगा? प्लस वन। यहाँ निकालना है तो ये माइनस 6 उधर जाएगा, तो प्लस का 6 माइनस का 1, तो क्लोरीन का कितना हो जाएगा? प्लस 5। यहाँ निकालना है AF का माइनस 1, तो थ्री का प्लस 3 हो जाएगा उधर जाके। और इधर HClO4, तो यहाँ क्लोरीन का कितना हो जाएगा? प्लस। हमें क्या चाहिए? प्लस। प्लस थ्री वाला ऑप्शन कौन सा है बच्चों? सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके, सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन में भी आप देख सकते हैं, एक्स थ्री क्लोरीन है, एक का माइनस वन होता है, इक्वल टू जीरो होता है, इसके लिए क्या हो गया बच्चों? प्लस 3। तो प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट किसका हो गया? क्लोरीन, राइट? नाउ द एग्जांपल नंबर 3। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन डज नॉट चेंज, चेंज नहीं हो रहा है। तो हमें वन बाय वन सारी इक्वेशन देखनी पड़ेगी। देखो किसमें चेंज नहीं हो रहा है? यहाँ पर आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों? प्लस का 4। इधर निकालेंगे तो प्लस का 5। तो प्लस 4 से 5 जा रहा तो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर कितना आएगा? प्लस का 3। तो यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। N2 जिसका कोई नहीं उसका 0, 0 से कितना जा रहा है बच्चों? ये प्लस 2। तो यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। यहाँ NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 4, N2O4 में भी प्लस 4। तो यहाँ ऐसे यहाँ जा रहा है तो चेंज नहीं हो रहा। तो सी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, डी को देखने की जरूरत भी नहीं है, अगर देखना हो तो भी आप देख सकते हैं। यहाँ दोनों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग रहेगा और ये क्या रहेगा? 0। तो चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई योर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आ गया बच्चों, सी आंसर इज ए करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन में भी आप देख पाएंगे इसका, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 एंड N2O4 इन बोथ रीच प्लस 4। दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बच्चों? प्लस 4। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 की बात करते हैं हम। Which of the following process represent the gain of 8 electrons per molecules? इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि
8 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है पर मॉलिक्यूल। तो कन्वर्जन ऑफ HNO3 टू NO2, देखो HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा बच्चों, प्लस का 5, और यहां पर कितना आएगा प्लस का 4। प्लस 5 से प्लस 4 जाता है तो कितना इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन का ही गेन होगा। जबकि अभी यहां देखते हैं नेक्स्ट, HNO3 से अमोनिया, यही नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या रहेगा प्लस 5, अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस 3, प्लस 5 से माइनस 3 जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो ये हमारा आंसर आ गया, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है हमारा बी, जिसमें कि HNO3 कन्वर्ट हो रहा है किस में, HNO3 इज कन्वर्टिंग हियर अमोनिया, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर देखिए आप NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है माइनस 3, यहाँ पर निकालना हो तो प्लस का 4, उधर जाएगा तो माइनस का 4, यानी माइनस प्लस 4, उधर जाएगा तो माइनस 4, माइनस 4 में से एक गया तो माइनस 3, यहाँ तो कोई चेंज होगा नहीं। N2O5 से NO जा रहा है, तो यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा प्लस 5, और यहाँ पर कितना आएगा प्लस 2, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस रहेगा। तो एक ही एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर प्लस 5 से माइनस 3 जा रहा है तो 8 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होगा, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आ गया बच्चों बी आंसर इज करेक्ट आंसर। आप चेक भी कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 5 है, अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस 3 है, तो प्लस 5 से माइनस 3 जाएगा बच्चों तो 8 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आएगा, इन्वॉल्व एडिशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल के। क्लियर है बच्चों, इसीलिए बी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिप्रेजेंट ए डिसप्रोपोर्शनेशन। अब सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए, डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बच्चों, इसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए बच्चों यहां पर जब आप देखेंगे ऑप्शन 1 में ऊपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0, नाइट्रोजन का कितना आ रहा है प्लस 5, यहाँ पर कॉपर का कितना है प्लस 2, और नाइट्रोजन का कितना है प्लस 4, यहाँ 0 से प्लस 2 मतलब ऑक्सीडेशन, प्लस 5 से प्लस 4 मतलब रिडक्शन, ये रेडॉक्स तो है बट डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं है क्योंकि अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो ये आंसर तो नहीं आएगा। सेकंड में बात करते हैं आयोडीन I2, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पर आयोडीन का कितना आ गया IO3 माइनस, तो ये माइनस का 6 उधर जाएगा, प्लस का 6, प्लस का 5 आ जाएगा, फर्दर माइनस 1। अब देखिए 0 से प्लस 5 तो ऑक्सीडेशन और 0 से माइनस 1 तो रिडक्शन, यहाँ एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट्स अ रेडॉक्स डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, बी आपका करेक्ट आंसर आ गया। जैसे यहाँ Cl2 और I2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0, इसका भी 0, यहाँ I का भी माइनस 1, I के ऊपर माइनस 1, I का माइनस 1, Cl का प्लस 1 हो गया, तो भी एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ जिंक का 0 और यहाँ जिंक का प्लस 2, यहाँ हाइड्रोजन का प्लस 1 और यहाँ 0, फिर भी अलग अलग एलिमेंट का हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन तो है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, बी इज योर करेक्ट आंसर, जिसमें डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन होता है, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं आप, डिसप्रोपोर्शनेशन इज अ प्रोसेस इन विच सेम एलिमेंट अंडरगोज डिक्रीज एज वेल एज इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, आयोडीन चेंज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम 0 टू प्लस 5, राइट, IO3 माइनस एंड 0 टू माइनस 1 इन I माइनस, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, जहां पर एक ही एटम का एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, द ब्लू कलर
ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपीयर ऑन एडिंग जिंक ग्रेन्यूल्स टू इट, इट इज बिकॉज ऑफ, ऐसा क्यों होता है? देखिए बच्चों, जब कॉपर सल्फेट था, ये CuSO4 कॉपर सल्फेट था, उसमें आपने क्या ऐड किया है, जिंक के ग्रेन्यूल्स ऐड किए, तो रिएक्शन क्या होने वाला है, ZnSO4 हो जाएगा और कॉपर, यानी यहाँ पहले सॉल्यूशन में क्या था, कॉपर प्लस टू आयन था और यहाँ पर क्या आ गया, Zn प्लस टू आयन, तो पहले ब्लू कलर था किसकी वजह से, कॉपर आयन की वजह से, बट यहाँ कलरलेस होगा वो किसकी वजह से, Zn प्लस टू आयन की वजह से, राइट। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, तो कॉपर का रिडक्शन होगा और जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ Zn प्लस टू आयन, तो ये आ गया A इज ए करेक्ट आंसर। आ गया बच्चों समझ में, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉपर प्लस टू एक्वस में ब्लू कलर देंगे और Zn सॉलिड आ रहा है, तो यहाँ कॉपर सॉलिड हो गया और Zn प्लस टू ये कलरलेस कलर, क्लियर, दैट्स व्हाई योर A आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, इन द रिएक्शन आयोडीन प्लस ओजोन प्लस H2O इज कन्वर्टिंग हियर HiO3 प्लस O2, द सब्सटेंस अंडरगो रिडक्शन, इसमें से किसका रिडक्शन हो रहा है? तो देखिए बच्चों, आपको रिडक्शन देखना है तो पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे कितना, 0। ओजोन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1/3, है ना, और यहां पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ये तो 6 हो रहा है, प्लस 1 चला जाएगा यानी प्लस का 5 होगा, और यहां पर O2 0, O2 के ऊपर जो है, तो यहाँ O2 के ऊपर माइनस होगा, परऑक्साइड में जाएगा ना, तब वो, तो यहाँ रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन होगा आयोडीन का, नहीं आयोडीन का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो किसका होगा, ओजोन का, सही बात है, ओजोन का ही होने वाला है, वाटर का तो कुछ होगा नहीं, आयोडीन एज वेल एज H2O बिल्कुल नहीं होगा, तो यह हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा बी, बी इज ए करेक्ट आंसर हियर। हम इसका एक्सप्लेनेशन भी चेक कर लेंगे, आयोडीन प्लस 5 O3, यहाँ O3 का भी इसे, अच्छा O3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0 है, यहाँ पर भी 0 है, O3 इज गेटिंग रिड्यूस टू, यहाँ O के ऊपर -2 आ रहा है ना, ये यहाँ पर, दैट्स वाई, यहाँ तो 0 है, सही बात है, तो O3 इज गेटिंग रिड्यूस टू O-2 स्ट्रेट, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओजोन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन इज फिजिबल, देखो रेडॉक्स रिएक्शन फिजिबल किसमें होता है, जिसमें कि रिडक्शन पोटेंशियल का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, तो जिंक Ag के साथ रिएक्ट कर रहा था, Zn+2 ट्वाइस Ag, बिल्कुल सही बात है, हमने जो देखा था ना कि कॉपर के बाद Ag के बाद जिंक, ऐसा प्रोसेस रहता है, तो यही करेक्ट आंसर हो गया, Zn+2 ट्वाइस Ag कन्वर्टिंग हियर ट्वाइस Ag Zn, ये नहीं होगा, Zn+2 Ag+2 दोनों में नहीं होगा, आयनिक चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा है, Zn+2 Ag+Ag एंड Zn+2 आयनिक चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा है, तो आपका फिजिबिलिटी जो है वो ए आंसर करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो रीजन देख लेंगे हम, इन ए द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इज ग्रेटर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, मैंने बताया था ना आपको कि क्या ऑप्शन हमारे पास रहता है, सबसे ज्यादा कॉपर का रहता है, फिर Ag का, फिर Zn का, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, उनमें इनका रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर ऐसा ही रहता है, समझ में आया बच्चों, इसीलिए ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ए वाला जो रिएक्शन है वो फिजिबल होगा, क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।